नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। वालक्रमांक 21 एवं 24 के रहवासियों ने आज भुल्लनपुरा बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम वहां निर्माणाधीन नाले के निर्माण को रुकवाने के विरोध में किया गया। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाले के निर्माण को रोकने से वार्ड में दूर दूर तक का पानी आ रहा है, जिससे उन्हें काफी समस्याएं आ रही है। वही चक्का जाम के दौरान वार्ड वासियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद नगर पालिका के संबंधित लोग भुल्लनपुरा बाईपास पर पहुंचे व जैसे तैसे भीड़ को समझाया व जल्द ही काम शुरू करवाने का आश्वासन देकर इस चक्का जाम को खुलवाया। वही नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने भी वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए गुना नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 21 और 24 में जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम को रुकवा दिया गया है एक व्यक्ति के चक्कर में, जबकि सैकड़ों घर परेशान हो रहे हैं। हड्डी मिल तक का पानी यहाँ आता है। वार्डवासी 21 नंबर के और 24 नंबर के वार्डवासी बेहद परेशान हैं। उसको लेके बेचारे अन्य के लोग हैं, इनको मजबूरी में यह सड़क पर आकर बैठना पड़ा मजबूरी में। तो हम ये चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है काम चालू हो, नाले का निर्माण हो, ये बाढ़वासियों की जो भी समस्या है वो दूर हो, ये हम चाहते हैं। हमारा प्रशासन से कोई हमारी बुराई नहीं है, हम प्रशासन के हमेशा साथ हैं और रहेंगे, लेकिन जो वार्ड 24 और 21 की जो समस्या है उसको तत्काल नगर पालिका खत्म करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग का आज द्वितीय दिवस रहा। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। वहीं इस अभ्यास वर्ग के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील दहीफले ने बताया कि इस अभ्यास वर्ग में जिले भर के विभिन्न पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा व प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी प्रतीक तिवारी गुना पहुंचे हुए हैं। साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि 23 जनवरी 2018 को सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर संपन्न होगी। यह परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों पैटर्न पर होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। है ना, इन विषयों का भी चिंतन करें। बंधु, बहुत समय ले लिया, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आपका जीवन यशो। अभ्यास वर्ग को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई साहब का बहुत बहुत हम सबको भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इतने अच्छे से आपने जो जो शब्द बोले हैं उन पर आप बिल्कुल खड़े उतरेंगे और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने अच्छा बोला। भोजन आप सबको मैं भोजन के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन युवा मोर्चा 30 लाख युवाओं तक पहुँचने का एक लक्ष्य के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ये प्रतियोगिता देश के साथ
लगभग 40 देशों में ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप में की जा रही है। प्रदेश में ये प्रतियोगिता जिला मुख्यालयों पर बड़े रूप में और मंडल स्तर और पंचायत स्तर तक आयोजित की जा रही है। इस दीनदयाल प्रतियोगिता में हमारे पार्टी के चिंतक और हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में और कुछ देश के ज्वलंतशील विषयों के बारे में इस प्रतियोगिता के बारे में हम इस प्रतियोगिता के में इस पुस्तक में वो सामग्री है जिनके आधार पर हम प्रतियोगिता कराएंगे। बस के ऊपर बैठे हुए वृद्ध को बस से गिरने के बाद गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला कैंट स्थित खेजरा रोड के रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है, जहां से बस क्रॉस होते हुए यह वृद्ध अचानक बस के ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं वृद्ध के परिजनों का कहना है कि कंडक्टर द्वारा इन्हें जबरदस्ती बस के ऊपर बिठाया गया था, जबकि वह मना भी कर रहे थे कि वह बस के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली बसें आरटीओ विभाग के नियम और कायदे को ताक पर रखकर चलती हैं, जिसका जीता जागता नमूना आज हुई घटना है। कहाँ से कहाँ जा रहे थमने का नाम नहीं ले रहा है सैनिक भर्ती में आए युवाओं का हुड़दंग। आज फिर यही हुड़दंग रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां ट्रेन के किसी भी डब्बे में युवाओं के घुस जाने से ट्रेन में बैठे हुए कई परिवार परेशान हो गए, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा बलों ने इन परिवारों की मदद की व इनके लिए एक पूरी बोगी खाली करवाकर उन्हें इसमें शिफ्ट किया। साथ ही जबरदस्ती ट्रेन की बोगियों में घुस रहे युवाओं पर पुलिस लाठियां भांजती हुई भी नजर आई। गौरतलब है कि सैनिक भर्ती रैली को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन पर 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं हर ट्रेन के साथ 12 पुलिस कर्मियों को रवाना भी किया जा रहा है, ताकि वे रास्ते भर इन युवाओं की गतिविधियों पर नजर रखें व किसी को भी सफर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सेवकों ने लिखे निबंध व दिए भाषण। राघोगढ़ शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चल रहे युवा सप्ताह के द्वितीय दिवस आज भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाषण में प्रीति केवट प्रथम स्थान पर रही, जबकि शिवानी सोनी द्वितीय तथा आदर्श प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध में भी शिवानी सैनी प्रथम स्थान पर रही, वहीं प्रीति केवट व भारती प्रजापति द्वितीय स्थान पर एवं पूजा परिहार तथा ज्योति धाकड़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्राचार्य डॉक्टर
जवाहरलाल द्विवेदी सहित समस्त स्टाफ ने बधाई भी दी है। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व टीम लीडर संदीप मेहरा के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। लाखोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। हारोन तहसील के ग्राम रामपुर में सिरोन से आते समय एक बड़ा ट्राला अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हालांकि यहां एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन फिर भी एक युवक को इस घटना में गंभीर चोट आई है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में भर्ती कराया गया है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।